इस दुनिया में बहुत सारे फितने हैं। आप चाहेंगे कि मैं नेक बनूं, आप चाहेंगे कि मैं दीनदार बनूं, आप चाहेंगे कि मैं मकसद पर जीऊं, मगर इस दुनिया में कुछ ऐसी रुकावटें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मकसद से हटा सकती हैं, जिन्हें शरीयत फितनों का नाम देती है। शरीयत ने जिनको फितना कहा, ये क्या चीज़ें फितने? ये वो चीज़ें हैं जो इंसान को, मुझे और आपको मकसद हयात और मकसद ज़िंदगी से हटा सकती है। और इसमें से क्या है? इसमें से सबसे पहली चीज़ है, याद रखो, औरत, औरत के फितने से बचो, खुसूसन हमारी नौजवान नस्ल, हमारा न्यू जनरेशन। और औरत पे जब हम बोलते हैं तो हमारी माएँ बहनें ये ना समझें कि इन मौलवियों को हमेशा हमारे खिलाफ कहने के सिवा और कुछ नहीं आता, ये ना समझें। वल्लाह हम आपके सिलसिले में, आप पर तो हमें फ़ख्र है, हमारी ये माएँ, हमारी ये बहनें जो पर्दे के साथ निकलती हैं और अपने घर में नमाजों की पाबंद हैं, अपने बच्चों की तरबियत करती हैं, इन माओं बहनों पर तो हमें फ़ख्र है। और आप तो आयशा सिद्दीका और मरियम और आप आसिया रज़ी अल्लाहु अन्हुन्ना जमीयात, उनके नक्श कदम पर चलने वाली हो। हम जब औरत के फितने की बात करते हैं तो हमारी मुराद वो औरत है जो घर की चार दीवारी से निकलकर गलियों में, सड़कों में, चौराहों पे, बस स्टैंडों में अपने जिस्म की नुमाइश करती हुई फिरती है, बेहयाई का मुजाहरा करती है, बेपर्दगी का मुजाहरा करती है। औरत जब घर की चार दीवारी से निकल जाती है तो वल्लाह वो इस दुनिया का सबसे बड़ा फितना बन जाती है। जब लिसान नबूवत ने इरशाद फरमाया कि वल्लाहि मा तरक्तु बादी फितनतन अदर अला रिजाल मिन अन्निसा, अल्लाह की कसम मैंने, कौन कह रहे हैं? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अल्लाह की कसम मैंने अपने बाद इस दुनिया में मर्दों के लिए औरत से बड़ा कोई फितना नहीं छोड़ा है। यही औरत है जिसके फितने में मुब्तला होकर हमारे कई नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने अपने अखलाक और किरदार से हाथ धोया, जिन्होंने अपनी जवानियों को दागदार किया। और हद तो ये है कि बास बास तो ऐसे हैं, नौज़ुबिल्ला, ईमान और अकीदे से ये हाथ धो बैठे, नौज़ुबिल्ला। औरत के फितने से बचो।